मध्य प्रदेश में बड़े बिजली बिलों को लेकर जहां जनता परेशान होकर शिकायत करती है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन सरकार अब इसे लेकर गंभीर हो गई है। ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर में मीडिया से बात कर आंकलित खपत को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि आंकलित खपत के बिल किसी उपभोक्ता के पास नहीं भेजे जाएंगे। यदि निर्देश के बाद भी कहीं आंकलित खपत का बिल भेजा जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के यदि बिल भेजा जाता है और उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटा जाता है तो अधिकारी को स्वयं जुड़वाना होगा। बिजली के आंकलित खपत के आधार पर आंकलित खपत के बिल स्पष्ट रूप से बंद करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं और आंकलित खपत के आधार पर अगर लंबे बिल दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ। ये आदेश मैंने बैठक में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश स्पष्ट दे दिए हैं। अच्छा, अगर कोई आंकलित खपत आता है कौन पे कार्रवाई? अगर आंकलित खपत, मेरा कहना है आंकलित खपत का बिल जारी करने से पहले ये भी सुनिश्चित करना होगा, आधारित नहीं कि उस घर में खपत है कि नहीं, तभी बिल वेरीफाई करके ही जारी होगा। अगर बिना वेरीफाई बिल जारी किया गया और ऐसे कोई कनेक्शन काटे जाएंगे जो बिना वेरीफाई और आंकलित खपत होंगे, तो उन कनेक्शनों को जोड़ने का काम भी अधिकारियों को करना होगा और नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।